मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 रीड और एक्सप्लेनेशन देखा था टॉम टॉक्स। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, टॉम कौन है? ये बॉय है, ठीक है। ये किसके साथ रहता है? अपनी फैमिली के साथ रहता है। इसके जो फादर रहते हैं वो ऑफिस में वर्क करते हैं, मम्मी टीचर रहती है। जो ग्रैंडपा रहता है वो रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। और जो ग्रैनी रहती है, इसकी नानी रहती है, वो इसको नाइस स्टोरीज सुनाती हैं। टीना कौन है? टॉम की सिस्टर है, ठीक है। और उसको अपने डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। और साथ में ही उसको जो ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं, छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह रहते हैं, उसके साथ भी खेलना बहुत पसंद रहता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस स्टोरी के रिगार्डिंग जो बुक एक्सरसाइज गिवन है उसे सॉल्व करेंगे। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 74। सो स्टूडेंट्स, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट, टॉम लव्स विथ हिज, टॉम लीव्स विथ हिज। टॉम्स किसके साथ रहता है? रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली। किसके साथ रहता है? वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, तो सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, टॉम्स मदर इज़र। टॉम की जो मदर है वो कौन है? टीचर है, डॉक्टर है कि बैंकर है? उसकी मम्मा टीचर है, तो हम ए पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट, टॉम्स डैश टेल्स नाइस स्टोरीज। जो टॉम है उसको अच्छी अच्छी स्टोरीज कौन सुनाता है? नाइस स्टोरीज कौन सुनाता है? फादर, नेबर मतलब पड़ोसी या ग्रेनी, उसकी ग्रेनी सुनाती है, ठीक है, उसकी नानी सुनाती है। दिस टॉय इज नॉट मैंशनड इन द टेक्स्ट। अभी जो हमने स्टोरी देखी टॉम की, उस स्टोरी में कौन से टॉय की बात नहीं की गई है? ट्रांसफॉर्मर्स, डोल और टेडी बियर। कौन सा ऐसा वर्ड है जो हम लोगों ने देखा ही नहीं स्टोरी में, जो मेंशन ही नहीं किया है? तो वो है टेडी बियर, तो हम सी पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। ओके, फर्स्ट है, टॉम्स फादर गोज़ टू स्कूल एवरी डे। क्या टॉम के फादर रोज़ स्कूल जाते हैं? नो, वो तो ऑफिस जाते हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, तो हम एफ लिख देंगे। नेक्स्ट, टीना डजंट लाइक टू प्ले विद ट्रांसफॉर्मर्स। क्या टीना को बिल्कुल पसंद नहीं है ट्रांसफॉर्मर्स के साथ खेलना? नहीं, उसे तो पसंद है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा, हम एफ लिखेंगे। नेक्स्ट, ग्रेनी मीन्स ग्रैंडफादर। ग्रैनी का मीनिंग क्या ग्रैंडफादर है? नो, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, टॉम अलाउस टीना टू प्ले ओनली विथ हिज जीआई जोस। क्या टोनी सिर्फ टीना को जीआई जोस के साथ खेलने देता है? नहीं, वो तो उसके ट्रांसफॉर्मर्स भी दे देता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्ग है, तो हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है, तो हमने एफ लिख दिया। नाउ स्टूडेंट, कम ऑन द पेज नंबर 75। हियर क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना है, क्रॉस करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमको क्वेश्चन में क्या कहा है। लुक एट द वर्ड्स विल, इन विच, इन दिस वर्ड द एच इन डब्ल्यू एच इज साइलेंट। देखो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? विल, तो एच क्या है इसमें? डब्ल्यू एच में एच साइलेंट है, ठीक है। हियर आर सम मोर डब्ल्यू एच वर्ड्स विथ अ साइलेंट एच इन दैम। यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड्स गिवन है, बनाने हैं, जिनमें क्या है? एच साइलेंट है। इन जस्ट एड डब्ल्यू एच टू कम्प्लीट दैम, वन इज डन फॉर यू। इसमें क्या करना है? सिर्फ आपको डब्ल्यू एच ऐड करना है, एक आपके लिए गिवन है। तो देखो यहाँ डब्ल्यू एच ऐड करा, वैसे ही मैंने सभी जगह डब्ल्यू एच ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ये कम्प्लीट हो गए लेटर्स से, ठीक है। सेकेंड बोला है डब्ल्यू एच ओ, हु में क्या वर्ड साइलेंट है? एच साइलेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको बनाना है। तो देखो सब जगह हमने क्या लगा दिया? फिर से डब्ल्यू एच ऐड कर दिया, क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 76। नाउ चेंज दिस सेंटेंस यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये सेंटेंस है इनको हमको चेंज करना है किस चीज़ से? अपोस्ट्रोफी एस से, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू रिक, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? दिस इज रिक्स बुक।
सेकेंड है दिस ड्रेस बिलोंग्स टू मिनी, और हमने इसको कैसे चेंज करा, दिस इज मिनीज ड्रेस। हम क्या कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिस कार बिलोंग्स टू मिस्टर ब्राउन, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, दिस इज मिस्टर ब्राउन्स कार, ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स रहेंगे तो हम उसे ऑनलाइन क्लास में सॉल्व करेंगे, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।